गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स, दिस इज नरेन शर्मा योर इंग्लिश टीचर. टुडे आई एम गोइंग टू टेक द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट. द चैप्टर्स नेम इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक. इन माय लेक्चर नंबर 2 आई कवर्ड अप टू पेज नंबर 52, right? The last paragraph you are supposed to take. But before I start this last paragraph, let me revise the previous paragraph given in this chapter. Okay, let us start. I get along pretty well with all my teachers. Anne Frank was having very good relationship with all of her teachers. यहाँ एनी फ्रैंक के लगभग उसके सभी अध्यापक अध्यापिकाओं से बड़े अच्छे संबंध थे. There are 9 of them, 7 men and 2 women. तो 9 अध्यापक अध्यापिका एनी फ्रैंक के थे, जिनमें से 7 जो है वो जेंट्स टीचर थे और 2 महिला अध्यापिकाएं थी. मिस्टर किसिंग द ओल्ड फौजी हु टीचेस मैथ्स वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक टू मच. ओके, फौजी मीन्स एन ओल्ड फैशन पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो पुरानी फैशन में विश्वास रखता है. सो देर वॉज वन टीचर नेम्ड मिस्टर किसिंग. ही बिलीव्ड in wearing old fashioned clothes was their maths teacher. Mr. Kissing was very much annoyed, very much angry with Anne Frank for, as it means, long time ago, because Anne Frank was the most talkative girl or the student in the class. Okay, after several warnings, now in spite of giving repeated warning to Anne Frank by Mr. Kissing, she did not pay any attention over it and she continued with her talking habit. Okay, so after several warnings, कई चेतावनियों के बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. यहाँ जो है मिस्टर किसिंग के द्वारा एनी फ्रैंक को कुछ अतिरिक्त गृह कार्य दिया गया, एक पनिशमेंट के रूप में, सजा के रूप में. एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स. ओके, चैटर बॉक्स मीन्स वन हू टॉक्स टू मच. तो उसे लिखने के दिया गया एक ऐसे जिसका शीर्षक था ए चैटर बॉक्स. ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. ए चैटर बॉक्स, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं. यू नो, इट इज़ अ जनरल टेंडेंसी ऑफ चिल्ड्रन और टीनेजर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेन बिजी इन गॉसिपिंग विद वन अनदर, in talking with one another. Okay, what can you write about that. आप ये बोलने की आदत के बारे में या चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिख सकते हैं. I would worry about that later, I decided. इस बारे में मैं बाद में चिंता करूँगी, ऐसा निश्चय जो है एनी फ्रैंक के द्वारा किया गया. I jotted down the title in my notebook. Jotted down means to write in a hurried manner. तो मैंने शीघ्रतापूर्वक ये टॉपिक जो था चैटर बॉक्स अपनी नोटबुक में लिखा. Tucked it in my bag, और उसे अपने बैग के अंदर घुसाया कॉपी को. And tried to keep quiet, और शांत रहने का, चुप रहने का प्रयास किया. Because
it was a sort of ultimatum from Mr. Kissing that he stop talking, otherwise some severe punishment will be given to you. This time the punishment was writing an essay on a chatterbox. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. तो उस शाम को जब मैं यानी कि एनी फ्रैंक अपना दूसरा जो काम था वो पूरा कर चुकी थी, गृह कार्य और विषयों का जो होमवर्क मिला हुआ था पूरा करने के बाद, देन नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, तो उस एसे के बारे में जो टाइटल मैंने एक कॉपी में लिखा हुआ था उस पर मेरी निगाह पड़ी. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल च्यूइंग द टिप्स ऑफ माई फाउंटेन पेन. एनी फ्रैंक ने सोचना प्रारंभ किया इस निबंध के विषय के बारे में जबकि वो अपने फाउंटेन पेन यानी कि शाही वाले पेन के ऊपरी भाग को मुंह में लेके चबा रही थी. इट इज़ अ जनरल टेंडेंसी ऑफ स्टूडेंट दैट वेन एवर दे आर हैविंग ए ब्लैंक माइंड इन ऑर्डर टू गेट सम आइडियाज दे स्टार्ट चूइंग द अपर टिप ऑफ द पेन और पेंसिल. एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स. रैम्बल ऑन मीन्स टू टॉक और राइट एमलेसली फॉर राउंड. उद्देश्यहीन तरीके से किसी विषय के बारे में लंबी बातचीत करना या लिखना, राइट? तो कोई भी व्यक्ति जो है इस विषय के ऊपर एक बड़ा लेख, लंबा लेख लिख सकता है. एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड, और दो शब्दों के बीच में ज़्यादा बड़ा अंतराल या ज़्यादा बड़ा जगह छोड़ते हुए वो लिख सकता है. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट मीन्स ए स्टेटमेंट मेड इन सच ए मैनर दैट पीपल बिलीव इट. मतलब आप इस प्रकार से लोगों को अपनी बात कहें कि लोग आपकी बात पर विश्वास करें, भरोसा करें, दैट इज़ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट. लेकिन यहाँ एनी फ्रैंक ये चाहती थी कि वो ऐसी चालाकी अपनाए कि ऐसे तर्क वितर्क वो दे जिससे उसकी बात पर लोग भरोसा करें और वो अपनी बातों से साबित कर पाए कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग फॉर टीनेजर्स और फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट. आई थॉट एंड थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. यहाँ एनी फ्रैंक के द्वारा सोचा गया, वो सोचती रही, अचानक उसके दिमाग में विचार आया. आई रोट द थ्री पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. तो यहाँ उसके द्वारा तीन पेज लिख लिए गए जो कि निबंध लिखने के लिए मिस्टर किसिंग ने उसे दिया था एच चैटर बॉक्स के ऊपर, और तीन पेज लिखने के बाद वो अपने आप को थोड़ा सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट महसूस करने लगी. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट स्टेट. तो यहाँ पर एनी फ्रैंक ने यह तर्क दिया कि बातचीत करना एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी का चारित्रिक विशेषता या गुण होता है. And that I would do my best to keep it under control. और मैं अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगी कि मैं अपनी बात करने की आदत को नियंत्रण में रखूँ. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. And that there is not much you can do about inherited traits. Inherited traits का मतलब the qualities that passes
फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, राइट, वंशानुग्रत गुण जैसे हम कहें। लेकिन अपनी बातचीत करने की आदत का वो कभी भी इलाज करने में सफल नहीं हो पाई। ओके, और उसके पीछे एक तर्क उसने ये दिया, हर मदर वॉज ऑल्सो टॉकेटिव, सो टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, कि मैं अपने स्वयं का इलाज कर पाऊँ अपनी इस बातूनी आदत का, क्योंकि उसकी जो माँ थी एनी फ्रैंक की, ठीक है, वो भी उसकी तरह ही बातूनी थी, यदि जो है उससे ज़्यादा अधिक नहीं तो थोड़ी बहुत तो बातूनी थी। एंड देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और ज़्यादा अधिक आप नहीं कर सकते उन आदतों के बारे में जो अपने माता पिता से आपको प्राप्त हुई हैं, राइट। जैसे यहाँ उसकी माँ बातूनी थी एन एम फ्रैंक की, तो वो भी बातूनी बन गई। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, मिस्टर किसिंग ने जब मेरा निबंध पढ़ा तो मेरे द्वारा दिए गए तर्क को पढ़कर वो अच्छे से हंसने लगे। बट वेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैं यानी कि एनी फ्रैंक आगे अपनी बातचीत करनी की आदत को जारी रखा उसने, बाई वे दो थ्रू द नेक्स्ट लेसन, यानी कि जब मिस्टर किसिंग ने अगला पार्ट पढ़ाया तो उस समय भी अपनी बातचीत करने की आदत एनी फ्रैंक ने जारी रखी। ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे, तो एज ए सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट अगेन मिस्टर किसिंग गेव सेकेंड एसे टू एनी फ्रैंक टू राइट। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, इनकॉरिजिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड और रेक्टिफाइड, ठीक है। इस बार निबंध का विषय था कि एक न सुधारे जा सकने वाला बातूनी विद्यार्थी। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन्स, जब मैंने ये निबंध लिख के उनके सामने प्रस्तुत किया तो श्रीमान किसिंग को कोई भी शिकायत नहीं थी अगले दो पाठों के दौरान क्लास में जो उनके द्वारा पढ़ाए गए। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन इट फाइनली हैड इनफ, किसी तरह से तीसरे पाठ को पढ़ाने के दौरान अंत में उन्होंने कहा पर्याप्त रूप से, एनी फ्रैंक एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सैट मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो मिस्टर किसिंग ने कहा, एनी फ्रैंक तुमने अपनी बातचीत करने की आदत जारी रखी है, तो सजा के रूप में क्लास में बातचीत करने के अपराध की सजा के रूप में तुम्हें एक निबंध और लिखना है जिसका शीर्षक है क्वैक, द साउंड प्रोड्यूस बाय ए डक, बतख की जो आवाज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड क्वैक। अब देखा हो बतख चलते फिरते क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालती रहती है, ठीक है। तो दिस टाइम द टॉपिक वाज क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ठीक है। दिस वाज द टॉपिक फॉर राइटिंग एसे विच वाज गिवन टू हर एज ए सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट बाय मिस्टर किसिंग। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, दो आई नियरली एडजस्टेड माई इंजीनियरिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। इंजीनियरिटी मीन्स ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, ठीक है। तो क्लास में शोर शराबा होने लगा और ये टॉपिक पढ़कर यानी कि एनी फ्रैंक भी स्वयं भी हंसने लगी। यद्यपि वो करीब करीब थक चुकी थी
अपने मूलभूत विचारों को व्यक्त करते हुए चैटरबॉक्स के टॉपिक के ऊपर इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स आगे समथिंग ओरिजिनल। अब उसके लिए समय था कि वो इसके अलावा कुछ अन्य मूलभूत तथ्य प्रमाणिक तथ्य ठीक है जो विशेष रूप से उसके मूलभूत विचार हों ओरिजिनल आइडियाज़ हों उनको वो लिखे। माई फ्रेंड सैन हु इज़ गुड एट पोएट्री ऑफर टू हेल्प मी। मेरी सहेली सैन जो कि कविताएं लिखने में अच्छी है उसने मेरी मदद करने का प्रस्ताव रखा निबंध लिखने में। टू राइट जैसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स उसने ये आइडिया दिया ये प्रस्ताव रखा कि तुम्हें शुरू से लेके अंत तक अपना निबंध जो है वो कविता में लिखना है। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय उसका ये प्रस्ताव सुनकर मैं आनंदपूर्वक उछल पड़ी यानी कि एनी फ्रेंक काफ़ी प्रसन्नचित महसूस करने लगी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जॉक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर किसिंग जो है वो उसके साथ मजाक करना चाहते थे इस मजाकिया विषय को के ऊपर निबंध लिखने के लिए उसे देकर। बट आई वुड मेक श्योर द जॉक वॉज ऑन हिम लेकिन मैं निश्चित रूप से इस बात को साबित करना चाहती थी कि मेरे मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं लेकिन मैं ऐसा निबंध लिखूंगी। क्वैक 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 सैड मिस्टर्स चैटरबॉक्स टॉपिक पर कि ये उनके लिए एक प्रकार से मजाक साबित हो जाएगा। आई फिनिश्ड माय पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल। तो यहाँ एनी फ्रैंक ने उसकी कविता समाप्त की और ये एक सुंदर कविता लिखी गई। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान विथ थ्री बेबी डकलिंग हु आर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। ये कविता एक बतख माँ और उसके पिता हंस के तीन बच्चों के बारे में थी हंस और उसके तीन बच्चों के बारे में थी जिनको उनके पिता के द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि दे क्वैक टू मच। पिता हंस ने उन बतख के बच्चों को पीट पीट कर मार डाला क्योंकि वो बच्चे अत्यधिक क्वैक क्वैक की आवाज़ निकाला करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जॉक राइट वे भाग्यवश श्रीमान किसिंग ने इस मजाकिया बात को सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास उसने जो है मिस्टर किसिंग ने ये कविता पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाई। राइट एडिंग हिज ओन कमेंट्स मिस्टर किसिंग ने कविता पढ़ने के दौरान अपनी स्वयं की टिप्पणियाँ इस कविता के ऊपर जो उनके द्वारा की गई वो भी बोलकर बताई। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल ठीक है और दूसरी अन्य कक्षाओं में भी साथ ही इस कविता को पढ़कर अपने स्वयं की ओर से टिप्पणी उन्होंने पढ़कर बताई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवन्ट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। सिंस देन व्हेन एनी फ्रेंड रॉट दैट पोएम ऑन द टॉपिक क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स इन सच एन इम्प्रेसिव मैनर दैट इट हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मिस्टर किसिंग एंड ही नॉट ओनली अप्रिशिएटेड दैट पोएम बट ही रेड द पोएम बिफोर द होल क्लास जस्ट बाय एडिंग हिज ओन कमेंट्स ऑन इट एंड नॉट ओनली टू हर क्लास बट टू सेवरल अदर क्लासेस
she read that poem before the students of those classes. Since then, that poem had a great impact over Mr. Kissing, and since then I have been allowed to talk. Anne Frank was allowed to talk in the class, as Mr. Kissing himself realized that it is the tendency of most of the children that they are unable to concentrate on studies. They remain busy in talking with one another. So in the same manner, Anne Frank was not disturbed by Mr. Kissing. She was allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. She was not given any extra homework as a sort of punishment of writing essays. On the contrary, Mr. Kissing's always making jokes these days. On the contrary means iske vipreet. Mr. Kissing hamesha class mein mazakiya baatein kiya karte the. In dino vidyarthiyon ka manoranjan karne ke liye, unka dhyan padhai ke upar kendrit karne ke liye, padhai ke dauran beech beech mein wo mazak bhi kar liya karte the. So Mr. Kissing always making jokes these days. Making jokes means to narrate some funny or interesting or humorous incident that could create the interest among the students during the classroom teaching. So this is all about this chapter. Later on I will send you PDF of this chapter containing question answers. Go through the chapter. Thank you all.